अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं आईटी जोन। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है उनके लिए जो अपना एक नया यूट्यूब चैनल जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। यकीनन आप में से भी बहुत से फ्रेंड्स चाहते होंगे कि वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और सॉन्ग्स वगैरह या मूवीज़ अपलोड करें। तो बहुत से फ्रेंड्स चाहते होंगे क्योंकि मूवीज़ का और सॉन्ग्स का जो होता है यूट्यूब चैनल बहुत ही जल्दी से ग्रो करता है, उसका जो वाच टाइम होता है बहुत ज़्यादा जल्दी से हासिल हो जाता है और उसके अलावा आप सब्सक्राइबर भी अपने बहुत ज़्यादा जल्दी से गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप यकीनन सोच रहे होंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी एडिटिंग करनी पड़ेगी और इसके अलावा आपको एडिटिंग और कॉपीराइट का भी मसला आएगा आपके चैनल पर। लेकिन आज आपके लिए मैं एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ जिससे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मूवीज़ को बिल्कुल भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं और ना ही आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वो मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मेरी वीडियो के नीचे ही जो है लाल कलर का इस तरह का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे क्लिक कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी लाजमी से प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगा जिससे कि हम फेसबुक की जो है वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक की वीडियोज़ को डाउनलोड, जैसे कि मैं पहले ही ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है वीडियो के किस तरह से हम फेसबुक से जो है वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आती है तो आप यहां से वीडियो देखें या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स इस तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जो वीडियो अब मैं बना रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सिंपली जाकर करना है इस पर क्लिक, और जैसे ही आप यहां पर करेंगे क्लिक तो ये सीधा ले जाएगा आपको प्ले स्टोर में और यहां से आकर आपने इसे कर लेना है इंस्टॉल। मेरा पहले से ही इंस्टॉल्ड हो चुका है इसलिए मैं अब इसे यहां से कर देता हूं स्किप। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। यहां पर आप मेरे जो है मोबाइल के स्क्रीन पर आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं कि ये इस तरह की जो है एप्लीकेशन होगी। इसका आपने यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको जो है थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताता हूँ तो वीडियो यकीनन बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मेरी वीडियो ऑलरेडी इस पर यूट्यूब पर आ चुकी है, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद आपने आना है अपने सर्च बॉक्स में, आपको अपने फेसबुक पर आने के बाद सर्च बॉक्स में आना और जो भी मूवी या सॉन्ग आप अपलोड करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको उसे सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं यहां से सिंपली जो है एक बागी मूवी को जो है सर्च कर लेता हूं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है बहुत से लोगों ने बागी 3 या बागी 2 ये मूवीज़ को जो है अपलोड किया हुआ है। आपने यहाँ से क्या करना है, सिंपली किसी भी मूवी वगैरह को या जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं सॉन्ग्स मूवी एनीवन जो भी, तो आपने सिंपली उसे जो है यहां से शेयर के बटन पर क्लिक करना है और इसे कर देना है शेयर टू फेसबुक। जैसे ही आप इसको पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद आपने चले जाना है सिंपली बैक और चले जाना अपने प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी मूवी होगी वो शेयर हो चुकी होगी। आप यहाँ पर 3 डॉट्स जो हैं देख सकते हैं, 3 डॉट्स पर आपने एक बार क्लिक करना है और यहाँ सेकंड पर सेव वीडियो पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सेव वीडियो पर क्लिक करेंगे जो आपकी वीडियो है वो सेव हो जाएगी, यानी आप उसे बाद में देख सकते हैं। लेकिन ये डाउनलोड बिल्कुल नहीं हुई, आपने इसे करना है अपनी गैलरी में जो है डाउनलोड। आपने सिंपली चले जाना है वापस इसी ऐप के अंदर और ऐप में जाने के बाद आपको ऐप का इंटरफेस मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से होगा। आपको इसमें अपनी जो है फेसबुक को लॉगिन करना होगा, मैं ऑलरेडी ही अपनी फेसबुक को इसमें लॉगिन कर चुका हूँ। तो आपने इधर से क्या करना है कि 3 लाइंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद माई वीडियोज़ पर कर देना है क्लिक और क्लिक करने के बाद आपने सेव वीडियोज़ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी आपने अभी मैंने कोई भी वीडियो को जो है अपने इस आईडी से अपने इस फेसबुक अकाउंट से किसी भी जो है वीडियो वगैरह को सॉन्ग्स को या मूवी को सेव नहीं किया हुआ, अगर सेव किया होता तो यहीं पर आपको सिंपली यहां पर शो हो जाता
करने के बाद इस तरह डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है और वो डाउनलोड हो जाएगी आपके गैलरी में। उसके बाद जो भी आप मूवी या कुछ भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करते हैं अपनी फेसबुक से उसका, क्योंकि मूवीज़ और सॉन्ग्स के अंदर जब भी हम एडिट करते हैं तो हमें इशू आता है, कॉपीराइट वगैरह का इशू आता है यूट्यूब पर, तो वो आता है उसके साउंड की, उसके वॉइस की वजह से या फिर उसके ग्राफिक्स की वजह से। जब हम कोई भी मूवी को, कोई भी वीडियो को अपलोड करते हैं अपनी फेसबुक पर, तो उसके जो है वॉइस की फ्रीक्वेंसी में और उसके वीडियो के ग्राफिक्स में यकीनन बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू क्रिएट नहीं करती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपने वीडियो अपलोड करनी है तो आपको सिंपली दो या तीन स्टेप जो हैं करने होंगे। वो ये हैं कि आपने अगर कोई वीडियो में के अंदर कोई लोगो वगैरह या किसी भी लोगो, जैसे टी सीरीज़ का लोगो वगैरह ऊपर लगा हुआ होता है वीडियो के ऊपर, तो उसे आपने स्किप लाजमी से करना होगा। उसके ऊपर आप अपना कोई लोगो, अपने चैनल का लोगो वगैरह लगा सकते हैं, उसके अलावा डाउनलोड वगैरह का बटन लगाकर उसे जो है वहाँ से इरेज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप कोई भी वीडियो को जो है फेसबुक से डाउनलोड कर अपलोड कर सकते हैं अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि आपका चैनल बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ग्रो करेगा, आपका वॉच टाइम बहुत ही जल्दी से जो है कंप्लीट हो जाएगा और इसके अलावा जो है आपके ऊपर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले ही इसका जो है तजर्बा या एक्सपेरिमेंट अपने एक चैनल पर कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, लाजमी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आई होगी तो आपने पहले से ही लाइक कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं फिर रेकमेंड करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी लाजमी से प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की, हर न्यू ट्रिक की, हर ऐसी न्यू मज़े की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।